हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज हम फिर से चैप्टर 14 का ही मीन डिस्कस करने वाले हैं, यानी माध्य निकालने के लिए सीखने वाले हैं। लेकिन इस बार हम तीसरी मेथड, जो माध्य निकालने मीन निकालने की होती है, उसे हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में इसे पग विचलन विधि भी कहते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल होती है, और इससे कैलकुलेशन जो है काफ़ी इजी हो जाती है, काफ़ी आसान हो जाती है। तो मैं अपने बच्चों को इसी मेथड से बनाने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि इसी मेथड से आप बनाइए। वो एक जो डायरेक्ट मेथड है, और दूसरी मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड है, और तीसरा मेथड जो है माध्य निकालने का, मीन निकालने का, वो है स्टेप डेविएशन, जिसे पग विचलन विधि कहते हैं। ये मेथड किस तरह से इजी है, इसे हम जब बनाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये मेथड जो है हमारे कैलकुलेशन को कितनी आसान बना देती है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ फिर से वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने अगली दो वीडियो में डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया है। और मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस मेथड को, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी पग विचलन विधि। तो या जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये सब तो लिखने आप लोगों को आ ही चुकी होगी कि फर्स्ट में ये जो डेली वेजेज है इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है, उसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्लास मार्क निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्कचीट निकालने का और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, यानी वर्कचीट इक्वल टू निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय टू। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, दोनों को जोड़ के दो से भाग दीजिए तो आपको जो है वर्कचीट मिल जाएगी। वर्गचिन्ह जो होती है इन दोनों के सम का मिडिल वैल्यू होती है। तो जैसे कि इन दोनों का सम आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 होंगे, और उसका जो मिडिल वैल्यू है यानी वो 110 है, तो उसे ही लिखते चले जाते हैं। और जितने के डिफरेंस, यानी जो वर्ग की माप है, वर्ग माप हम इन दोनों के डिफरेंस से निकालते हैं, इन दोनों को घटा के। जैसे यहाँ पे 120 में 100 घटा देंगे तो हमें 20 मिलेंगे, जो h का वैल्यू होगा, जिसे हम वर्ग आमाप कहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं 20 है, तो ये 20 के ही अंतर से आगे बढ़ती चली जाएगी। 110 इसमें 20 प्लस करेंगे, 130 इसमें 20 प्लस करेंगे, 150 इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो क्लास मार्क होते हैं उनमें से आप मोस्टली जो है मिडिल वैल्यू को आप a मान सकते हैं, एज्यूम्ड मीन। और अगर वैल्यू इवन नंबर में है, मतलब सम संख्या में, मान लेते हैं यहाँ पे 6 वैल्यू होती तो मिडिल वैल्यू यहाँ पे 2-2 होती, तो उस केस में हम इन दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है यू आई। तो यहाँ पे मैंने यू आई निकालने का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, एक्स आई माइनस ए के वैल्यू को एच से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें यू आई का वैल्यू फाइंड होता है, पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स आई माइनस ए, मैंने इससे पहले वाले मेथड में यूज किया था एक्स आई माइनस ए, इसे हम डी आई कहते हैं। तो जब हम डी आई के वैल्यू में एच से डिवाइड करते हैं तो हमें यू आई का वैल्यू मिलते हैं, और ये यू आई ही हमारे कैलकुलेशन को सिंपल बनाती है। चलिए देखते हैं किस तरह से ये सिंपल करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स आई में ए माइनस करके एच से डिवाइड करना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ का इसे हम एक्स आई कहते हैं, तो यहाँ का एक्स आई 110 है, इसमें हमें ए माइनस करना, ए का वैल्यू 150 है, यानी यहाँ का यू आई फाइंड करने के लिए हमें 110 में से ये एक्स आई का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, 150 माइनस करना होगा, और डिवाइडेड बाय एच, एच का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 है, तो 20 लिखेंगे।
जब इसे आप सॉल्व करेंगे 150 में 110 माइनस करेंगे तो -40 आएंगे और डिवाइडेड बाय 20, तो ये दो से कट जाएंगे और फाइनली हमें -2 मिलेंगे। तो यहाँ पे -2 आ जाएंगे। अगली वैल्यू के लिए 130 में 150 माइनस करेंगे, यहाँ का एक्स आई 130 है और यहाँ ए का वैल्यू 150 है, तो अगली वैल्यू जो होगी 130 -150 डिवाइडेड बाय 20 होगी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनस में 20 मिलेंगे और डिवाइडेड बाय 20, इन दोनों को कैंसिल करेंगे हमें -1 मिलेंगे, तो अगली वैल्यू -1। अब यहाँ का एक्स आई भी 150 ही है और ए का वैल्यू भी 150 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और 0 में 20 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें 0 ही मिलेंगे। अगली वैल्यू 170 है, तो 170 एक्स आई का वैल्यू है, 150 ए का वैल्यू है, तो 170 -150 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू, आप देख सकते हैं 20/20 आएंगे और फाइनली हमें 1 मिलेंगे, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अगली वैल्यू 190 -150 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 40/20 मिलेंगे और फाइनली आपको 2 मिल जाएंगे। इस स्टेप को आप सिंपल भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे इसे हम समझते हैं। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, मैं बताता हूँ इसे आप शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे लिख सकते हैं। तो जहाँ पे आप ए का वैल्यू लेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे, जहाँ भी उसके सामने आप 0 लिख दीजिए और उसके बाद आप 1, 2, 3 अगर और भी वैल्यू है तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऊपर की ओर, और नीचे भी 0 के बाद 1, 2, 3, 4 नीचे की ओर लिख दीजिए। नीचे के वैल्यू को पॉजिटिव में रहने दीजिए और ऊपर के वैल्यू को आप नेगेटिव यानी माइनस में माइनस का साइन लगा दीजिए। तो ये जो टेबल है यूआई का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, पता चल जाएगी, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस 0 लिखना है, 1, 2, 3 ऊपर की ओर नेगेटिव में माइनस लगा के और नीचे पॉजिटिव में 1, 2, 3 अगर और भी स्टेप है, तो यहाँ पे दो ही स्टेप है तो 1, 2, ऊपर भी दो ही है तो 1, 2 यानी -1, -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो वैल्यू मल्टीप्लाई करना है एफ आई इंटू यू आई, तो अब हमें इस एफ आई को इस यू आई से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें इससे बड़ी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, आप देख सकते हैं इस मेथड में हमें कितनी छोटी वैल्यू मिली है जिसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 12 × -2। तो ये देखिए कितनी छोटी वैल्यू हमें दे रही है, तो ये हमें देगी -24, फिर 14×14 माइनस में, फिर 0×8 0, फिर 6×1 6, कितनी छोटी छोटी वैल्यू आ रही है, यही हमारे कैलकुलेशन को सिंपल बनाती है। 10 को दो बार टेबल पढ़ेंगे, 10 × 20, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एफ आई यू आई का वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे सॉल्व करके फाइनली हम सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू लिखते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सारे एफ आई इंटू यू आई के वैल्यू को ऐड करना, तो ऐड करते हैं समेशन, और यहाँ एफ आई के वैल्यू को जब हम सबको ऐड करेंगे तो ये हमें सिग्मा एफ आई यू आई, सॉरी सिग्मा एफ आई का वैल्यू देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26 आएंगे, फिर नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है, 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8, और 1 को 3 से ऐड करेंगे तो 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, ये बड़ा वैल्यू है, ये नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में आएंगे -12। ये हमारा जो -12 है वो सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू है। अब चलिए हम बाय स्टेप डेविएशन से फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि से
मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन यानी माध्य, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 है, तो यहाँ पे 150 पुट करेंगे प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड किया है -12, इसे हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का वैल्यू 50 है, इसे हम यहाँ लिखेंगे इंटू एच। एच का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है मैंने 20, तो यहाँ लिखेंगे। अब हम फाइनली इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 150 हो जाएंगे और ये दोनों प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई होके माइनस साइन हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ से हम जीरो को कैंसिल करते हैं और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 24 डिवाइडेड बाई 5, तो 150 माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 5×20 फिर पॉइंट और इसमें 15×40 4.8 मिलेंगे। और 4.8 को 150 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 को डेसिमल नंबर बनाएंगे और इसमें हम 4.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 4 5, और ये इसको कैरी दे दिया है तो बोरो दे दिया है, तो यहाँ पे बचेंगे 4 1, तो यहाँ पे फाइनली 145.2 मिलेंगे। और ये वैल्यू जो है मीन डेली वेजेस हमें निकालना है, तो वेजेस रुपीस में होते हैं, जो दैनिक मजदूरी होती है रुपये में होती है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना लेंगे जीरो पुट करके, तो ये पैसे हो जाएंगे 20 पैसे। तो फाइनली हमारा जो है आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो इतना ही रुपया आंसर आया था। तो आप किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे मीन डेली वेजेस जो है वो आ चुकी है रुपीज़ में 145 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ये हमारा आंसर है जिसे हम माध्य दैनिक मजदूरी हमें निकालना था, माध्य दैनिक मजदूरी वो हमारा 145 रुपया 20 पैसा है। ये हमारा क्या है आंसर है। तो आप देख सकते हैं ये मेथड जो है हमारे कैलकुलेशन को कितनी सिंपल बनाती है। तो उम्मीद है ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसी तरह के क्लास 10th के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।